मेरे प्यारे भाइयों, मेरे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन सब लोगों का मुंह बंद कर दीजिए। तो भाई साहब, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बाबर आजम पर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो अपनी पीआर एजेंसीज के थ्रू अपने स्टैट्स की, अपने रिकॉर्ड्स की, अपने रन्स की मार्केटिंग करवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को ये लगता है कि बाबर आजम के फैंस जो हर वक्त बाबर बाबर करते रहते हैं, इनको बाबर पैसे देते हैं। इनके खुद के फैंस नहीं है, लेकिन इस वजह से ये लोग बाबर आजम से जलते हैं। तो बेसिकली मोहम्मद हफीज ने इसी चीज पर बाबर आजम को ट्रोल किया है कि हमें पाकिस्तानी टीम के अंदर साजिद खान जैसा, नुमान अली जैसा, कामरान गुलाम जैसा और सलमान अली आगा जैसा पर बैट्समैन बॉलर चाहिए जो परफॉर्म करके टीम के अंदर हो। हमें वो प्लेयर्स नहीं चाहिए जो अपनी पीआर एजेंसीज की वजह से टीम के अंदर हो, या वो प्लेयर्स जो पीआर एजेंसीज रन करते हो।